तो हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट नेटवर्क में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग वेट कर रहे हैं कि बेल्टन के न्यू रजिस्ट्रेशन जो है कब तक चालू होगा, और बहुत सारे लोग यहाँ पे बार बार कमेंट करते रहते हैं कि 7311 टोटल कैंडिडेट का जो है ज्वाइनिंग कब तक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ लोग कॉल करके पूछते हैं कि बेल्टन का जो फॉर्म कब तक आ सकता है, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग इस पूरे वीडियो को देखना, आपके सारे डाउट्स वो है क्लियर हो जाएंगे, जो भी डाउट्स है आपके मन में कि कब तक जो है न्यू रजिस्ट्रेशन चालू होगा और कब तक 7311 टोटल पास आउट कैंडिडेट का ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो बचे हैं उन लोगों का ज्वाइनिंग अभी इसी माह में होने वाला है। तो चलिए मैं बता दूँ इस वीडियो में कि सारे लोगों का ज्वाइनिंग जो है इसी महीने के अंदर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो में, एक नोटिस के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, उसमें साफ साफ लिखा है कि 8067 पर बहाली शुरू कर दी जाएगी, ठीक है, जिसमें कि बाकी जो बचे हुए लोग हैं पास आउट कैंडिडेट उन लोगों का ज्वाइनिंग हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का जो है नोटिफिकेशन आपको जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो है 8067 ग्राम पंचायतों में यहाँ पे लोकसभा केंद्र खोलने का प्रावधान किया गया है, ठीक है, जिसमें कि 8067 पदों पर यहाँ पे बेल्टन को भेजी जाएगी। उसके लिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन चालू होगा और यहाँ पे कुछ लोगों का बचे हुए उन लोगों का भी ज्वाइनिंग साथ ही साथ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको नोटिस में दिखाता हूँ उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, साफ साफ आपको बताता हूँ, ठीक है, कब तक लोगों का ज्वाइनिंग हो जाएगा और कब तक न्यू रजिस्ट्रेशन चालू होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, उससे पहले चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आप देख सकते हैं लिखा हुआ ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायक के रिक्त पदों का भरने हेतु समीक्षा, ठीक है। तो उसके फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, जिला स्तर पर रिक्त संविदा आधारित डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर जिले से प्राप्त अधियाचना के विरुद्ध 765 डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा प्रबंध निदेशक बेल्टन द्वारा जिले से उपलब्ध कराई गई है। शेष 193 स्थानों पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे बेल्टन को अधियाचना भेजी गई है, फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 193 सीटों पर अभी भी पंचायती राज विभाग की तरफ से यहाँ पे बेल्टन को भेजी गई है। यहाँ पे 193 सीट खाली है अभी, ठीक है, जिससे बेल्टन के पास अधियाचन जा चुकी है, जिसमें बेल्टन अभी ज्वाइनिंग लोगों को दे रही है धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, ठीक है, ये तो हो गई पिछली बारी, ठीक है, जहाँ पे एक एक डाटा इंटरप्रेटर की बात कही गई थी। अब उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर पे आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है कि यहीं पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, आपके हर सवालों का जवाब 13 नंबर पे आपको जो है मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यपालक सहायक अतिरिक्त पद सृजन कर संविदा के आधार पर नियुक्ति की कार्रवाई, यानी कि ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यपालक सहायक यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद सृजन यानी अतिरिक्त पद सृजन, यानी इसका मतलब फ्रेंड्स अतिरिक्त मतलब आप समझ लें कि 8067 पदों की बात कही जा रही है यहाँ पे, ठीक है, अतिरिक्त मतलब एक और ऑपरेटर की बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल जो है 8067 पदों पर यहाँ पे जो है बहाली की जाएगी डाटा एंट्री ऑपरेटर की, जो कि बेल्टन से ली जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कार्यपालक सहायक का नाम दिया हुआ है, इसका मतलब फ्रेंड्स कि ये नहीं कि कार्यपालक सहायक को यहाँ पे दिया जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि कार्यपालक सहायक का डाटा एंट्री ऑपरेटर, मतलब दोनों का कहने का मतलब एक ही है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे कार्यपालक सहायक पहले से कार्यरत है एक एक करके, ठीक है, अब बेल्टन से ली जाएगी क्योंकि कार्यपालक सहायक का जो है पैनल समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे कार्यपालक सहायक बीपीएसएम के जो है पैनल से जो भी बचे हैं उन लोगों का सबका ज्वाइनिंग हो चुका है, अब जो है यहाँ पे कोई बचे हुए नहीं है तो उन लोगों को यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, उन लोगों का किस्सा खत्म है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे बेल्टन की बात कही गई है, बेल्टन डाटा एंट्री ऑपरेटर की, तो बेल्टन डाटा एंट्री ऑपरेटर को यहाँ पे मौका मिलने वाला है, तो इसमें बेल्टन डाटा एंट्री ऑपरेटर को ही लिया जाएगा। यहाँ पे दैनिक साइड में जो लिखा है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, संविदा के आधार पर ग्राम पंचायत स्तर पर अतिरिक्त कार्यपालक सहायकों के नियोजन के संबंध में प्रधान सचिव के निर्देश के आलोक में उनके कार्य क्षमता के आकलन के लिए विभाग स्तर पर अनुसरण प्राधिकारी की अध्यक्षता में विभागीय पत्रांक इतना दिनांक इतना द्वारा टीम गठित कर दिया गया है। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि प्लस यहाँ पे एक अतिरिक्त जहाँ जहाँ मतलब पंचायत भवन बन चुके हैं वहाँ पे एक अतिरिक्त कार्यपालक डाटा एंट्री ऑपरेटर लगेंगे, वहाँ पे उसका पद सृजन कर बेल्टन को भेज दिया जाए।
तो ये लोग क्या करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में जाके हर पंचायत में वहाँ देखेंगे कि ग्राम पंचायत भवन जो है बन के तैयार है या नहीं है। अगर तैयार है तो वहाँ का पास जो है सृजन कर वो लोग बेल्टन को भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत जल्द ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन चालू होगा अपने, ठीक है। और यहाँ पे जो भी बचे हुए हैं लोग, तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि जो है न्यू रजिस्ट्रेशन कब तक चालू होगा, और बाकी बचे जितने भी पास आउट कैंडिडेट है बेल्टन के उन लोगों का सारा सारे के सारे लोगों का ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगा, ठीक है। आपके मन में जो भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो चुके हैं, कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो आपको कैसी लगी है वीडियो को लाइक करके बताना है। चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।